हमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंड टच करें, पुश करें, आगे लेके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, टच करें, पुश करें, आगे की तरफ लेके जाएं। देख रहे हैं हमारी लाइन कितनी बारीक और अच्छी आ रही है। टच करें, पुश करें, आगे की तरफ लेके जाएं। टच करें, पुश करें, आगे की तरफ लेके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे राउंड सर्कल। अगेन टच करें, पुश करें, आराम आराम से आपको मेहंदी के राउंड सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक बार और हम ट्राई करेंगे। टच करें, पुश करें, आराम आराम से लेके जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स आप लोगों को। देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी राउंड सर्कल तैयार हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं। अब हमें हर सर्कल के ऊपर छोटा सर्कल देना है। छोटा सर्कल देने से मेहंदी और भी अच्छी दिखने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैं कैसे आराम आराम से छोटे सर्कल दे रही हूँ। आपको भी आराम आराम से देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी शैतान का काम होता है, तो आप लोग आराम आराम से प्रैक्टिस करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन देख सकते हैं छोटा सर्कल देने से हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगेन नेक्स्ट सर्कल राउंड देंगे। राउंड सर्कल अगेन टच करें, पुश करें, आराम आराम से टच करें, पुश करें, आराम आराम से अंदर की तरफ लेके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इस पर अगेन छोटा सर्कल देंगे, जैसे कि मैं दे रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को छोटा सर्कल आराम आराम से देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन हम इस पर ड्रॉप देंगे। टच करें, पुश करें, छोड़ दें। 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 आराम से बिल्कुल इक्वल आपकी जो है मेहंदी की ड्रॉप आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं कैसे टच पुश करके छोड़ दे रही हूँ। आप भी आराम आराम से ड्रॉप दे सकते हैं। आपको ड्रॉप देने का एक इक्वल तरीका पता होना चाहिए कि हमें ड्रॉप कैसे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे पूरा करके आपको ड्रॉप देना सिखा रही हूँ। आपको करना क्या है, ये जो पेंसिल का नोक है, इस नोक के आइकन को, ये जो है मेन पॉइंट, इसको हमें टच करना है, चाहे स्क्रीन हो चाहे पेज हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको टच करना है। टच करके हमें प्रेस करना है। प्रेस करते जाइए। आपको मेहंदी के कोन को बिल्कुल नहीं उठाना है। देखिए कितनी अच्छी हमारी जो ड्रॉप है बन के तैयार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगेन एक बार फिर से अगेन हम ट्राई करेंगे। टच किया, पुश किया, आराम आराम से पुश करते जाएं। हमें बिल्कुल बीचों बीच रख के नोक को उठानी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन नेक्स्ट एक बार और मैं आप लोग को बता रही हूँ। टच करें, पुश करें, आप लोगों को कोन को बिल्कुल नहीं उठानी है, प्रेस करते रहना है, ताकि ऐसे हमारी ड्रॉप बिल्कुल खूबसूरत बन के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए हमें ड्रॉप बनाना है। टच करें, पुश करें, हल्का सा बस छोड़ के हल्का सा आगे की तरफ खींच दें। टच करें, पुश करें, हल्का सा आगे की तरफ खींच के छोड़ दें। टच करें, पुश करें, हल्का सा आगे की तरफ खींच के छोड़ दें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लीफ के आकार की एक पैटर्न तैयार कर देंगे। फ्रेंड्स लग रहा है दिख नहीं रहा है आप लोग को, तो फिर मैं फिर अगेन टच करें, पुश करें, आगे की तरफ खींच के छोड़ दें। टच करें, पुश करें, आगे की तरफ खींच के छोड़ दें। टच करें, पुश करें, आगे की तरफ खींच के छोड़ दें। आपको पेंसिल के मेन पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, आम्बी बनाना। आम्बी कैसे बनेगा, आप आम्बी को तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तो पहले आप डायरेक्ट बना सकते हैं आम्बी को, देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
आराम आराम से टच करें, पुश करें, आगे की तरफ लेके जाएं। एक ये हो गया फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है आप लोग को। ये हमारी हो गई डायरेक्ट एमबी। अब हम ए के आइकन में बनाएंगे, पहले हम एस के आइकन में भी बना सकते हैं, हमें पहले यस बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यस बना रही हूँ। एस को ले जाके ऊपर की तरफ राउंड में आपको मोड़ देना है आराम आराम से। फिर अगेन हमें यहाँ से एक लेयर उठानी है और आराम आराम से इस लेयर को ला के यहाँ पर मिला देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी नेक्स्ट यस वाली एमबी तैयार हो गई। और हम एक और एमबी बना सकते हैं ए के आइकन में, हमें पहले ए बना लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ए बनाने के बाद हमें आराम आराम से ऐसे मोड़ लेना है, नेक्स्ट हमें आराम आराम से लेके जाना है और इसमें मिला देना है। लेकिन ज़्यादा बेटर जो डायरेक्ट आइकन वाली होती है एमबी, वही डायरेक्ट अच्छी लगती है। देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन अब हमें क्या करना है, जो वो लाइन्स हैं हमें एमबी की, उसे हमें बोल्ड करनी है। बोल्ड करने के लिए टच करें, पुश करें, आराम आराम से आगे की तरफ लेके जाएं, टच करें, पुश करें, आराम आराम से आगे की तरफ लेके जाएं। और हमें थोड़ा सा आगे आके हमें लाइन को ढीली करके छोड़ देनी है, हमें इधर कोन को हल्की कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट इसमें भी वही करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, लाइन को बोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हमको लाइन को छोड़ देनी है बिल्कुल। टच करें, पुश करें, लाइन को बोल्ड करें और आराम आराम से हमने आगे ले जाके लाइन को छोड़ देनी है, ढीली कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है आंधी। अब हम आंधी पे एक लेयर और देंगे। एक लेयर देने से जो है हर एलिमेंट्स की खूबसूरती फ्रेंड्स बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें किसी भी पैटर्न को बनाने के बाद उस पर एक लेयर ज़रूर देना चाहिए। जो बोल्ड पैटर्न है, जिसको हमने बोल्ड से क्रिएट किया है, हमें उस पैटर्न को बनाने के बाद हमें एक लेयर ज़रूर देनी चाहिए। लेयर से लाइन और भी खूबसूरत लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगेन ये जो है इसके अंदर हम लाइन देंगे आपको, सीधी स्ट्रेट लाइन। आप जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप उसको दे सकते हैं, मैं जो मुझे पसंद है मैं वो दे रही हूँ फिल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। टच करें, पुश करें, आराम से लेके जाएं, टच करें, पुश करें, टच करें, पुश करें। आपको फिर प्लीज़ चैनल, आप प्लीज़ गाइस, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो आपको न समझ में आया हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये आज की क्लास हमें ज़रूर बताएं। हम इसको फिल करने के लिए छोटा डॉट दूंगी, क्योंकि मुझे छोटे डॉट्स ही पसंद हैं। आपको अगर बड़े डॉट्स पसंद हैं तो आप बड़े डॉट्स दे सकते हैं, मैं छोटे डॉट्स ही दे रही हूँ, इससे मेहंदी का पैटर्न अच्छा लगता है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने दे दिया है छोटे ड्रॉप। अब हमें अगेन जो हमने राउंड दिया है उस पर हमें अगेन सर्कल देने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सर्कल देने से ये और भी खूबसूरत लगने लगेगी, आप देख रहे हैं मैं दे रही हूँ सर्कल। कॉपी बुक या किसी पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जिस पे प्रैक्टिस करना है। और इसको आपको एक नहीं, दो नहीं, कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके हाथों में सफाई आएगी और ऐसे आप अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आराम आराम से आपको सर्कल देना है, छोटे सर्कल्स जैसे कि मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हैं
कि पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगेन इसको और सजाने के लिए हम एक हल्का सा लेयर यहाँ से उठाएंगे। इस लेयर को आराम से लेके आएंगे और टर्न कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राउंड दे देंगे हम। अगेन इसको बोल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक और लेयर लेके आएंगे आराम आराम से। डॉट देके खींच के छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगेन एक और लेयर लेके आएंगे। थोड़ी सी मेरी कोन छूट रही है, फंस रही है। और फ्रेंड्स एक और बात, और हमें जब भी हर एलिमेंट्स के बाद हमें अपनी कोन को क्लीन करना है, और जब भी हम क्लीन करें हमें नाखून नहीं लगाना है। हमें क्लीन करने के लिए अपने फिंगर्स, टू फिंगर्स को हमको उसके लिए उपयोग में लाना है। आप नाखून नहीं लगाएं, नाखून लगाने से जो कोन की होती है आगे की डिज़ाइन ना, वो ख़राब हो जाती है, जिससे हमारी जो है कोन अच्छे से नहीं निकलती है। तो हमेशा गाइस ध्यान रखें, आपको हमेशा थोड़ा सा जगह नहीं है, जगह की कमी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगेन इसको भी वैसे ही करेंगे। आप कोई और डिज़ाइन में इसमें बड़े ड्रॉप देके दिखाऊंगी कि बड़े ड्रॉप कैसे लगते हैं। इसमें मैंने छोटे ड्रॉप दिए हैं, छोटे टॉट दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मेहंदी लगा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी ये ट्रेनिंग हर लोगों तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अगेन बड़े डॉट दे रही हूँ, देख रहे हैं। टच करें, पुश करें, छोड़ दे, टच करें, पुश करें, छोड़ दे, टच करें, पुश करें, छोड़ दे। आराम आराम से आपको डॉट्स देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दबाजी ना करें, आपकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट होगी। देख सकते हैं आप, अगेन टच करें, पुश करें, छोड़ दें, टच करें, पुश करें, छोड़ दें, टच करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि कैसी लगी है। अब हमें अगेन एक पतली सी लेयर लेके जानी है, जैसा मैंने कि बताया था। आप लेके आ सकते हैं। अब ये हमें अगेन एक और लेयर आराम से लेके जानी है। ला दिया इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पे छोटा सर्कल देंगे। आराम आराम से दें आप भी छोटे सर्कल को। आप छोटे सर्कल को जितनी बार देंगे, एक बार, दो बार, जितनी बार देंगे छोटे सर्कल अच्छे लगते हैं। इससे पैटर्न की खूबसूरती निखर के आती है और पैटर्न और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है, और आपका समय भी कम लगता है। जैसे फिलअप करने में उसको कैसे में फील करना है, भरना है, उसमें भी सुंदर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे एक नए पैटर्न और एक नए एलिमेंट्स के साथ, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो अभी के लिए बाय। प्लीज़ दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। अभी के लिए बाय।